गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 7:30 और हम लोग पी रहे हैं चाय। और देखिए ये सीमा दीदी बैठी हुई हैं और मम्मा भाभी। जय माता दी। हाय गाइस। तो अब हम लोग चाय पी रहे हैं। हमारा चाय का टाइम है। हम लोग मंदिर से होके आए हैं। अभी चाय पियेंगे। आप भी मॉर्निंग गाइस, आप भी पी लीजिए चाय। So guys, तो ठीक है, आज हम लोग न्यू ड्रामा करेंगे न्यू रियल फैमिली के साथ। आप लोगों ने बोला था कमेंट सेक्शन की कि आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आप लोग रियल में कर सकते हो ये सब कुछ। तो हम लोग आज रियल में करेंगे, तो देखते रहिए वीडियोस को। तो गाइज, हम लोगों ने बनाया है आज सब्जी में, ब्रेकफास्ट में बनाया हमने आलू मिर्च की सब्जी। और साथ में हमने हमने लिया इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा। और हमने दोपहर वाले मतलब लंच में हमने आलू मटर की सब्जी बनाई, वो भी मैंने बना दी। तो अभी 8 बजे लाइट बंद हो गई है, तो अभी हम लोग भाभी झाड़ू लगाएंगे। और पोछा आज हमने लगाना नहीं है, एक्चुअली आज डे है, कौन सा डे आज? तो गाइस आज थर्सडे है, इसलिए आज हमने पोछा नहीं लगाना है। तो आज हम लोग झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद जो काम है वो फिनिश करके सो जाएंगे। बस ये उम्मीद है कि लाइट आज आ जाएगी, क्योंकि कल रात को लाइट सुबह 8 बजे गई थी और रात को 10 बजे आई थी, तब तक हम वेट करते रहे लाइट का। अब तो गाइस अभी अन्नी जा रहे हैं शॉप पे और हम लोग ऐसे भूसेंगे घर पे। तो अन्नी का फेस देखिए, रोज जाते हैं मजे करते हैं वहाँ, दुकान पे जाते हैं हम लोग, ऐसे घर में बैठते हैं। हाँ तो मजे तो करते हो आप लोग, वहाँ पे क्या करते हो ऐसे सभी, ऐसे इतनी बड़ी आपकी इतने सारे फ्रेंड्स, इतनी बड़ा ग्रुप बनाया हुआ है, तो मजे करते हो आप लोग वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो। और हम लोग ऐसे घर पे ही रहते हैं पूरा दिन, बोर होते हैं। तो फिर भी गाइस आप लोग कहते हो कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, तो आज हम लोग बनाएंगे अपनी रियल फैमिली वीडियोस, तो देखते रहिए हमारी वीडियोस को। सो गाइस, मैं करने जा रही हूँ लंच और बिजी कर रही है स्टिचिंग। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, डायरेक्ट लंच पे पहुंच गई। और सीमा दीदी पी रही है गर्म पानी, खाना दीदी का हो गया है। और ये दी के सूट की स्टिचिंग चल रही है, फ्लेयर इसका बन चुका है, अभी शर्ट अभी बना रही है। और ये मेरा खाना है, आलू मटर की सब्जी है, साथ में आलू मिर्च की सब्जी है, साथ में आलू मटर की, साथ में है चपाती राइस। सो बहुत टेस्टी खाना बना हुआ है, मैं खाने जा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। हाँ हाँ बोलो। हेलो गाइस, आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप बता नहीं रहे। हाँ, कोई मान शर्मा है, बहुत अच्छे कमेंट करते, थैंक यू सो मच। कोई अब्बू शर्मा जी हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उनको भी दिल से शुक्रिया हमारा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज। सो गाइस, सीमा दीदी ने बनाई है चाय, लेके आई है लोटा चाय वाला, और अब हम लोग पियेंगे चाय। मम्मा ने अभी तक खाना नहीं खाया, मम्मा पापा का वेट कर रही हैं। पापा अभी तक आए आए हुए, पापा अभी आ गए। मैं पापा के लिए चपाती बनाने जा रही हूँ गरम, और भाभी देखो कैसे बैठी हुई है। ये देखो ननद ऐसे बात करती है भाभी के साथ। भाभी आजकल भी दही चाय नहीं हुई है। तो दीदी का फेस इस टाइम देखने लायक है, टाइम देखने लायक होता है। सूट नहीं सीना चाहिए, इले तो चाय नहीं हुई है। सो गाइस, इस टाइम चल रही है फाइट सीमा दीदी की और भाभी की। तो भाभी आप क्या बोलना चाहेंगे सीमा दीदी को, कोई गालियां गुलियां निकालना चाहेंगे? सीमा दीदी आप भाभी को कोई गालियां गुलियां निकालना चाहेंगे? इस टाइम सीमा दीदी कुछ नहीं बोलेगी, इस टाइम दीदी के सूट की स्टिचिंग चल रही है। जैसे ही सूट की स्टिचिंग खत्म फिर देखिएगा आप। नीचे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा यार कहाँ। नीचे तो बहुत अच्छी है। आऊंगी सूट,
सो गाइस ये देखिए आज दीदी का सूट भाभी स्टिच कर रही है और आज दीदी ने एक मिनट का भी साथ नहीं छोड़ा है, पूरा पूरा योगदान दिया है इन्होंने अपना। सो आज भाभी बहुत अच्छी लग रही है इनको क्योंकि इनकी ड्रेस की स्टिचिंग हो रही है तो बस हो गई। अब देखना अब आप सुनेंगे इनके मुंह से कि निशा कैसी है। सो गाइस अभी मेरे दो ड्रेस जो है वो स्टिचिंग पर पड़े हैं हुए हैं। तेरे सूट का स्टिच करना तो ठीक है, मेरे मुल्क रेडी नहीं है, 50 रुपए कभी नहीं करने। चलो ठीक है मैं 50 रुपए दे उड़गी फिटिंग वाले दी, डोंट वरी। पर भाभी मेरे से नहीं लेंगी, मुझे पूरा यकीन है। दीदी दीदी ब्लॉग में मैं बोल रही हूँ भाभी मेरे से नहीं लेंगी, मुझे पूरा यकीन है भाभी मेरे से पैसे नहीं लेंगी। सो ऐसे ही हम लोग मजाक करे, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे पूसे की कोई बात नहीं है हमारे घर में। तो बेचारी जी स्टिचिंग कर रही है क्योंकि जब भाभी स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो हम उनको कोई काम नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ स्टिचिंग करते हैं। तो गाइस साथ में हम लोग आपको बता दें कि आज खाना बनाने की टर्न जो है वो सीमा दीदी की है और दाल मैंने चढ़ाई थी कुकर पे। सीमा दीदी कल मेरी टर्न है, कल आपको चढ़ानी है दाल, आज कुकर मैंने चढ़ाया था। तो एक बार इधर देखिए, अपने फैंस को बताइए कुछ, फैंस को क्या बताएंगे कौन अच्छा है। सो गाइस आप आधे घंटे के बाद हम लोग फिर से सीमा दीदी को पूछेंगे कि भाभी कैसी है। सो निशा बहुत अच्छी है। तो गाइस ये बात सही है, निशा बहुत अच्छी है, निशा भाभी बहुत अच्छी हैं। अभी मेरे सूट की स्टिचिंग होने जा रही है तो देखो गाइस कितनी अच्छी ड्रेस स्टिच की है भाभी ने, बहुत ही अच्छी। ये देखिए फुल स्टिच हो चुका है, बस इसको अभी इसका भाभी क्या रह गया, इसका इसको गले की तरपाई करना बाकी। हाँ बाकी सब हो गया है। तो दीदी अभी आप उठ के जा सकती हैं अपनी अपने किचन में जाके देखिए क्या बाकी रह गया है। थैंक यू। तो अभी मैं बैठ रही हूँ दीदी की गद्दी पे क्योंकि अभी मेरा सूट आ रहा है। सो गाइस देखते रहिए वीडियोस को एंड तक। सो गाइस अब अभी मेरा सूट स्टिच करने जा रही है, देखिए अब इसको इसको साइड वाली सिलाई होगी। आई एम सो हैप्पी क्योंकि आज मेरे दोनों सूट फुल स्टिच हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच भाभी। के खाना तुहें सुनाओ, तुहें के खाना दीदी दीदी। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं वॉक के लिए, तो साथ में है दी और दी खा रही है नेल्स। एक्चुअली मैंने सुबह से खाना नहीं खाया हुआ, साथ में भाभी जी और दीदी की जूड़ी देखो। ऐसे कसी हुई बांधी है दीदी ने, दीदी ने ऐसे कस के जूड़ी बांधी हुई है, मजाला खुल जाए। और बहुत मजा आ रहा है, कल जैसा मौसम नहीं है बट अच्छा है। और आज हम मट्टू पुली वाली साइड नहीं जा रहे हैं, आज हम ये वाली साइड जा रहे हैं, ओल्ड मट्टू, ओल्ड मट्टू नहीं मट्टू, ओल्ड मट्टू वाली साइड जा रहे हैं। मुझे कोई नहीं पता ओल्ड मट्टू है या न्यू मट्टू, बस मुझे बोलना है। तो सो अभी हम लोग वीडियो तेज तेज जाएंगे, मैं थोड़ा स्लो स्लो जा सकती हूँ, मैं ज्यादा तेज तेज नहीं जा सकती, इसलिए मैंने खाना खा रखा हुआ, फ्रूट्स खाया था थोड़ा सा। तो गले झड़की है ये देखिए, मेरे कान खींचने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तो अच्छा कौन है, कौन अच्छा है? तो हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं आपको अच्छा कौन है। उफ, 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 यहाँ पे कुछ मरा हुआ है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। सो गाइस
बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, पता नहीं कुछ मरा हुआ पड़ा हुआ वहाँ पे, सड़ा गला हुआ। तो दीदी कौन अच्छा है? कौन? पक्की बात है ना, तो निशा सी नहीं है? निशा सी नहीं है? तो देखिए गाइस, मतलब निकल गया तो बात दीदी ने बोल दी है कि ओनली मी। सो गाइस, तो अब आप लोग खुद बताइए कमेंट सेक्शन में कि दीदी ने मतलब निकाला या नहीं निकाला। वो बोलते हैं ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, तो दीदी ने आज ये कर दिखाया है। तो दीदी अच्छा कौन है? मैंने 2 घंटे में दीदी का सूट सिल लिया। ठीक है, क्या बोला एक बार फिर से बोला? सुबह का मैं दीदी का सवाल। अच्छा दीदी बोल रही है कुछ मैं खिलाऊं? अच्छा हाँ दीदी आप खिला दीजिए। गाइस एक शेयर अर्ज करने जा रही हूँ। कल हम निकले थे शहर को, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ झोंपड़िया थी एक तरफ शमशान थे, पैरों तले एक हड्डी आई उसके जही बयान थे, अरे चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। सो गाइस अभी आपको सीमा दीदी शायर सुनाने जा रही हैं। हमारे बहुत अच्छे शायर हैं जो आपके आगे एक शायरी अर्ज करने जा रहे हैं। सो दी प्लीज, तो अभी भाभी आपको एक शायर सुनाने जा रही हैं। मेरे को भी नहीं आता। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, दीदी बोलो ना, बकरी चढ़ी पहाड़ पे, आगे आगे बकरी चढ़ी पहाड़ पे, आगे की आगे खाल की मरी। सो गाइस अभी हम लोग तो दीदी बोल रही है रनिंग के लिए। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, आपको कहीं से पीटी उषा लग गई है? पीटी उषा तो ऐसे ही काफी फास्ट रनिंग करती है। दीदी चलिए स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। दीदी चलिए ना, फिर हम भी तो देखें कि कैसे कितना फास्ट आप चलती हैं रनिंग के लिए और कितनी फास्ट है। ये देखिए देखो, ये देखिए गाइस गाड़ी पर बैठ के तो नहीं कितनी कितनी दूर पूज गई है। तो गाइस देखिए कितनी दूर पूज गई है। 1 2 3 स्टार्ट। ओ देखो चलो। हाय गाइस अब दीदी देखो ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रैक्टर ऊपर बैठ के जाएगी दीदी। तो गाइस दीदी ट्रैक्टर पर बैठ गया दीदी, बैठी पर। हाय गाइस, तो गाइस दीदी हमारी बहुत आगे पहुंच गई। दीदी आ गया आपका नंबर। दूसरी वाली बाइक लेके भैया और गए हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं। करिए स्टार्ट, मुझे लगता है ये तो आपसे स्टार्ट हो गया। वाओ वेरी नाइस। तो अभी हम लोग यस्ट निकल रहे हैं। बगाड़ी हुई नू प्यार ना वे के समझ आ रहे हैं। क्या हो गया, बंद हो गया?
यस। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं, भैया पीछे रह गए हैं, देखिए कैसे भागेंगे। सो गाइस हम लोग पहुंच गए नाना वाले के पास। ये देखिए मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, बोलो हाय गाइस एक बार बोलो। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय, फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल, बोलो हाय गाइस, हेलो, हाय गाइस, हेलो गाइस, मेरा पुत्र। ओ जाना मामू घर पे, मामू घर जाना है। हां नहीं कर नहीं ना, तो वीडियो चले जा रहे हैं घर, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। ठीक है गाइस, बाय मेरे बच्चा, बाय। सो गाइस हम लोग इधर से भी निकल रहे हैं। सो गाइस मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, साथ में है दाल, साथ में है आलू मटर की सब्जी, साथ में है चिल्ली और आलू, साथ में है चटनी। नहीं लगा ओए गोगो आ गई मेरी रोटी पर, नहीं लगा तो मेरी सुन गया लगा। साथ में है कर्ड, मम्मा का भेजा हुआ। तो अभी मैं थोड़ा सा खाना खाने जा रही हूँ, एक्चुअली मैं डाइटिंग पे हूँ। शर्म कर थोड़ी, डाइटिंग पे हूँ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਡ ਹੈ ਮੰਮਾ ਨੇ ਭੇਜਾ ਹੁਆ। ਅਬ ਜੇ ਹਮਾਰੀ ਗਾਇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਕਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ ਹਮ। मम्मा ने भेजा हुआ, मैं रोज इनको भेज देती है शॉप पे, बहुत टेस्टी बना, मीठा मीठा। और ये है सीमा दीदी की चटनी, सीमा दीदी ने बनाई हुई है, टेस्टी भी करके मैं आपको बताऊंगी। बहुत अच्छी बनी हुई है, अब मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ सीमा दीदी की बनी हुई दाल। गाइस ऐसे शादी में सगले नहीं चढ़े होते हैं, नहीं बनाते लोग, सेम वैसी दाल बनी हुई है, बहुत ही अच्छी बनाते हैं सीमा दीदी दाल। आप प्लीज़ गाइस कभी उनके हाथ की दाल टेस्ट करिए, इसमें अगर मेरी रिलेटिव्स हैं
तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं किसी मदद की कितनी टेस्टी दाल बनाती है। बहुत अच्छी बनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और ये है साथ में बनी हुई सब्जी जो मम्मा ने बनाई हुई है, अब ये टेस्ट करके बता दूँ। बहुत अच्छी। अब मैं टेस्ट करके बताने वाली हूँ आपको आलू मटर की सब्जी जो मैंने खुद बनाई हुई है। बेकार अपनी वाह, बंदे के हाथ में जादू है, कितनी सुंदर सब्जी बनाई अपनी है। वाह कितना मजा है गाइस, आप कभी टेस्ट करो आप ऐसे गिर जाओ। मैं तो बेहोश ही होती जा रही हूँ। चल झूठी